बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आपको पता है कि मेरे मॉर्निंग शो में बहुत टैलेंटेड एंड डिजर्विंग लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं और हम लोगों उन हीरे नगीनों को चुन चुन के यहाँ लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये लोग कितने एफर्ट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, डायरेक्ट मैं चलती हूँ। यहाँ पर मौजूद है प्रेजिडेंट ऑफ GSO के मोहम्मद राशिद बरोही, और जब वो बताएंगे कि वो सरप्राइजिंग काम क्या करें, क्योंकि दूसरों की हेल्पिंग हैंड बनना और ऐसी जगहों पर गुंजान इलाके जहाँ कहीं कहीं आबादियाँ हैं, जहाँ कन्वेंस प्रॉब्लम है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है, वहाँ कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना कोई ईजीएस्ट जॉब नहीं है, बड़ा जिगर चाहिए होता है। तो ये जिगरी बंदा कौन है जी? ये मोहम्मद राशिद बरोही, प्रेसिडेंट ऑफ GSO। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे? अल्लाह पाक करे। मैं आप सुनाएं, आप कैसी हैं? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ GSO एंड आपकी वर्किंग क्या है? वर्किंग हमारे बड़े ही हिसाब से मैं समझता हूँ कि डिजर्ट एरियाज जो हैं वो बहुत ही समझ लो कि खस्ता हालत में है। जो मैं समझता हूँ कि अगर हमने एजुकेशन हासिल किए हैं तो हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों पे के हिसाब से हम लोग उनको प्रोवाइड करें एजुकेशन। तो आपका जो सवाल है GSO का जो मतलब क्या है, गडाप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं समझता हूँ कि देखें, आप भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, और भी हमारे जो माशरे के पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अगर हम एजुकेशन पर काम नहीं करते हैं, अगर हम जिस तरीके से जहाँ पर नीड है, जहाँ पे एजुकेशन की नीड है, तो हम अगर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक इल्ज़ाम है या गुनाह है बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि। तो हमारी जो काम का जो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गरीब बच्चे पढ़ें जो तालीम से महरूम हैं, जिस तरीके से देखा जाए कि हमारा असल में जो काम है वो गडाप के एरियाज़ में हम काम करते हैं। जो गडाप के एरियाज़ मुराद ये होते हैं वो भी कराची का हिस्सा है, शायद हमें किसी को पता भी नहीं है कि कराची कितना हिसाब से बड़ा है, और हम सिर्फ ये बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि रोशनियों का शहर कराची। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो NGOs के जो हज़रात हैं जो सेशन वगैरह करवाते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करवाना चाहते हैं, वो वहाँ पर आ जाए और वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो इस तरीके से सिचुएशन है वो उसको देख लें, तो फिर हम कहेंगे कि कराची वाकई रोशनियों का शहर कराची है। लेकिन जो गडाप टाउन की जो खस्ता हालत है मैं समझता हूँ कि शायद हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा राशिद, आपने क्यों, ऑफ कोर्स यू आर प्रेसिडेंट GSO, आपने क्यों गडाप को ही सिलेक्ट किया? वहाँ ऑफ कोर्स पहले गए होंगे, विजिट किया होगा, वहाँ पे बच्चों की हालत देखी होगी कि वो एजुकेशन हासिल भी करें लापरवाह से हैं या उनको कोई प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, वो प्लेसेस नहीं दी जा रही, तो ऐसे क्या सोच के आपने ये कदम उठाया था? वो बड़ा अच्छा, वो हिसाब से ना इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि सबसे पहले अपने घर को बंदा देखें। अगर आपकी घर और आपके जो मोहल्ला अगर मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिश नहीं है तो आप जाके तकरीरें करें, मैं नहीं समझता कि ये तकरीरें आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं समझा कि, और अपना ज़मीर को मैंने मुतमईन करने के लिए मैंने कहा पहले अपने जहाँ पे मेरी घर हैं, जहाँ से मेरी जो समझ लो कि मेरी बर्थ हुई है, मैं इनको पहले इस्टेब्लिश करूँ, इनको पहले यहाँ के जो बच्चे अगर खस्ता हालत में, अगर हम यहाँ के बच्चों के लिए नहीं करेंगे कुछ ना कुछ, यहाँ के बच्चे अगर तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि हम कहीं और चले जाएं या कहीं और काम करें। तो मैं, मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी यही बस GSO का जो आगाज़ मैंने किया था ना, बड़ा मुख्तसर हिसाब से मैंने किया था, मेम्बर्स हमारे बैठे हैं और भी मज़ीद अगर मेम्बर्स हमारे सुन रहे हैं, यकीन करें मेरा दिल मुतमईन बिल्कुल नहीं था कि मैं एजुकेट हूँ, अगर मैं मास्टर कर रहा हूँ या मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बिखर चुके थे। मतलब बिखरने से मुराद ये है कि किसी को एक वे नहीं पता था कि हमने करना क्या है। कि मैंने जब यही मैंने सोच के मैंने कहा चलो मैं कुछ ऐसा बना दूँ अपने लिए मुतमईन के लिए, एक हिसाब से मैं ऐसा चीज़ करूँ जो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा राशिद भाई, इधर मैंने कॉलर है, बात करें हमारे रेगुलर कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज कैसे कॉल कर ली याया? भाई इतने माशाल्लाह आप लोग वी टीवी वाले, आप लोग सभी इतने अच्छे रोशन सितारे लेके आते हैं, माशरे के पॉजिटिव चेहरे दिखाते हैं, और मैं इनको राशिद भाई को बहुत सलाम करना चाहूंगा। थैंक यू। और कहना चाहूंगा कि भाई जहाँ ये गडाप के इलाके में काम करते हैं, मैं खुद भी वहाँ जाता रहता हूँ कभी कभार किसी के साथ, तो असल में वहाँ बड़े मसाइल हैं और बेचारे गुर्बत भी है और लोग स्कूल नहीं है, लोगों के लिए पढ़ाई की परेशानी, बहुत सारे लोग मसाइल हैं। तो अगर कोई बंदा उठ के काम करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसे इलाके जहाँ एक तो होता है ना कि आदमी जब तक उसमें ये काम वही कर सकता है सभी, जिसके अंदर डेडिकेशन और पैशन हो अपने लोगों में,
और वो वहां बड़े मसाइल है, वहां आपको बहुत सारे अगर अच्छे काम भी कर रहे हो रहे हो ना, तो उसके लिए भी लोग रोकने वाले लोग भी होते हैं, तो आपको उसको भी फेस करना पड़ता है। मुझे तो उनके मसाइल का इल्म है ना अच्छी तरह, सियासी वापस्तगियां होती हैं उससे, लेकिन एक इंसान अगर जो करने वाला हो वो जरूर कोई ना कोई काम करता है। राशिद भाई इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ विजिट भी करूंगा और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और मजीद तौफीक दे और आपके साथ लोग जुड़ते चले जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। अच्छा इनके कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है और आपने हमारे एक हिसाब से हौसला अफजाई की, बहुत अच्छी बात की आपने कि सियासी मामलात हैं या जो भी है, एक हिसाब से हम उसमें नहीं जाते, हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं या आप कितने कर सकते हो आप वही ग्राउंड पे आके कर लो, तो हम यही चाहते हैं कि ग्राउंड पे आके कुछ कर लें, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। बेहतरीन, हमारा भी यही मकसद है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, किसी को टारगेट नहीं करें, बस हम जो करना चाहते हैं और जितना करना चाहते हैं। कि मैं भी आप अपना अगर इंट्रोडक्शन दूं कि मैं एक बहुत बड़े या अमीर तरीन शख्सियत नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा से हिसाब से शख्स हूँ, हाँ ये कि मैं स्टूडेंट हूँ, जितना मेरी जो मेंबर्स वगैरह हैं जितने वो कर सकते हैं हमारे लिए, तो हम मिलके अपने क्या कहते हैं अफोर्ड जितना कर सकते हैं उतनी ज्यादा हम कर रहे हैं जी। जबरदस्त, अच्छा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है राशिद बरोही तो मौजूद है, लेकिन उनके ऑफ कोर्स जीएसओ के डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो आज एक मेंबर यहाँ पर मौजूद है यूसुफ बलोच जो मेंबर है जीएसओ के। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल। तो माशाल्लाह राशिद को बहुत आप सपोर्ट करते हो, मेंबर भी हो, तो क्या एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं आप इनको? देखो सबसे पहले राशिद भाई माशाल्लाह मेरा दोस्त है, समझो भाई की तरह तो इसने पहले हम लोग साथ पढ़े एक साथ, तो एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, मैंने कहा कि हम गए इनके जो इलाके गड्ढाप है ना, जो ऐसा कराची का हिस्सा है लेकिन ऐसा समझो कि उनको ऐसे साइड पर किया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे वहाँ पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो स्कूल हैं आप देखो बिल्कुल ऐसे होता है कि स्कूलों में, मैंने खुद जहाँ पर गया राशिद के साथ, सर राशिद के साथ, उसने कहा कि आप देख रहे हो कि क्या हालत है। तो एक दफ़ा हम बैठे हुए थे ऐसे ही होटल में, तो मैंने कहा सर हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे ये जो जितने बच्चे हैं कि महरूम है तालीम से, तो इनके लिए कुछ बन जाए। तो हम लोगों ने एक साथ बैठकर हम लोगों ने ये इकदाम उठाया, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से अब सर राशिद काम कर रहे हैं कि जीएसओ के हम लोगों ने जिस तरह गड्ढाप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम रख लिया इसका। देखो अगर हमने कहा कि फिल वक्त हम गड्ढाप से काम स्टार्ट करते हम आगे हमारा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये काम हो जाएगा एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन अगर बच्चों के हवाले से हम देखा जाए कि बच्चे अगर जिस तरह के हम कराची में जिस तरह के हर जगह पर एजुकेशन का मसला है, लेकिन जो देहात हैं मोस्टली वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होते हैं देहातों में, तो उनके क्या होते हैं सोर्सेस नहीं होते, अगर वहाँ स्कूल बने होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लेकिन टीचर्स नहीं आ रहे होते। गवर्नमेंट का आपको खुद अंदाज़ होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई होता है विजिट करता है, कोई टीचर्स को देखते हुए टीचर आते हैं कि नहीं आते, तो फिर स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ जा रहे होते हैं। अच्छा टीचर्स की जब टीचर्स की बात करूँ, देही इलाकों की बात करूँ, और मैं सोच रही हूँ देख मैंने एक एजुकेशन का ऐसे मेरे जहन में आया कि एजुकेशन के लिए एक स्कूल की ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टाइमिंग पर टीचर्स की ज़रूरत होती है, क्लासेस की ज़रूरत होती है, ग्राउंड की ज़रूरत होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे को ग्रूम अप करती हैं कि एक स्कूल का माहौल कैसा होता है, प्रॉपर एक मतलब बुक्स वगैरह होना, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं राशिद को बोलूँगी ये सारी चीज़ें फेस कैसे की, आपने कैसे किसी स्कूल को क्रिएट किया, क्योंकि अब ये वो 40 साल पुरानी बात तो नहीं है कि दो टाटे बिछाई और एक बोर्ड लगाया, चलो जी अलिफ से अनार तो बे से बिल्ली, ऐसा तो चल नहीं रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और एक बच्चा फील करता है कि अगर मैंने यहाँ पर भी देखा कुछ लोग, अब तो गवर्नमेंट स्कूल भी बड़े माशाल्लाह उसको बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया जा रहा है, तो बच्चों के अंदर जब क्लासिफिकेशन आ जाए ना तो वो बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। तो मैं राशिद से पूछूंगी ऐसे क्या चीज़ें आपने अभी तक प्रोवाइड की हैं, कैसे आपके स्कूल का माहौल है, कितने बच्चे हैं, यूनिफॉर्म कैसे आ रहा है, बैग कैसे है, उनके बस्ता जो बुक्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यस राशिद सर, बुक्स की आपने जो बात की, आपको पहले मैं ये बात बताऊँ कि हम जीएसओ के जो बुनियाद रखे हैं उसी के साथ साथ हम लोगों ने 1000 प्लस अभी हमारे जीएसओ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं हम लोग 1000 प्लस। ये तो पढ़ाने वाले हैं ना, पढ़ने वाले, ये इम्पोर्टेंट, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे 1000 प्लस हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अच्छा आपने पढ़ाने वाले का, मैं कंफ्यूज हूं, क्लियर हो गया ना ये 1000 गड्ढाप के मजीद गड्ढा बहुत बड़ा किसान है। असल में हमने सबसे पहले हमने हब डैम में खोले हैं, हब डैम आपने शायद सुने होंगे, जो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पे खोले, फिर उनके एरियाज में हमने खोले,
जहाँ पे मुतासिर जो हालात हैं, मुतासिर जो बच्चे थे जो 25-25 साल से 20-20 साल से, मतलब किसी ने प्रोवाइड किया जगह, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं अभी, गवर्नमेंट के साथ। देखें अब सपोज करें कि कुछ हमारी खताएं, मैं इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि हमारे इलाके वाले की खताएं, और कुछ हमारी शायद हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हमारी ठीक नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज करें कि हमारे पास 500 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज करें एक स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल है, 500 बच्चे हैं, तो हम अगर वहाँ पे वो हमें ये क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर दें कि हम आप लोग तो GSO बहुत अच्छा काम करें, आप ऐसे करें कि एक टीचर की हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं अपनी सैलरी उनको हम खुद दे देंगे। ट्रेन भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर शोबे के लोग हैं, ज्यादातर हमारे पास जो है टीचर्स हैं, टीचर्स पे डिपेंड ज्यादा हम करते हैं। उसके बाद जो है टीचर्स जो ट्रेनिंग ट्रेनर मास्टर होते हैं बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, हम पहले ट्रेन करते हैं उसको, नाइन्थ में जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो गए, मैट्रिक के स्टूडेंट को हम ट्रेन करके फिर उसमें ग्राउंड लेवल पे लेके जाते हैं। क्यों है? आपको पता है जी, इनको इसमें इनके अंदर में स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है। आपको पता है जो मैट्रिक का बच्चा होगा वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा, वो टाइम भी ज्यादा दे पाएगा, वो चीज़ों को भी ज्यादा चेक करेगा, क्योंकि मैं भी खुद प्रोफेशनली टीचर हूँ। तो मसला क्या होता है कि हम बच्चों को, मतलब बच्चे से मुराद ये कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, मेंबर्स को ट्रेन करके ग्राउंड लेवल पे लेके चलते हैं। हाँ, जितनी मतलब कम अमाउंट में कम सैलरी में हम करवाते हैं काम, कि ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे होते हैं कि 60 बच्चे हैं वहाँ पे टीचर नहीं है, तो हम वहाँ पे टीचर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे अगर यूनिफॉर्म की बात है, फिलहाल हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म अदा करें या उनको दे दें। बात कुछ इस तरह है कि स्टडी तो मिल रही है ना उनको, स्टडी मिल रही है, हम चाहते हैं कि सिस्टम चल जाए और हमारा जो यूनिफॉर्म जो कोई खास कंसर्न नहीं करता, क्योंकि बाहर मुल्क में इतनी सर्दी होती है, कनाडा इन जगह अंटार्कटिका इस जगहों पे, तो वो लोग बच्चों के एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, यूनिफॉर्म पे इतना फोकस नहीं करते, वहाँ तो ऐसे गर्म होके, तो वहाँ कौन सा यूनिफॉर्म है। हमारे लिए नेसेसरी नहीं है कि यूनिफॉर्म होना, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, बच्चा नॉलेजेबल होना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अभी तक ऑफ कोर्स जो है कहाँ पर कमी महसूस हो रही है कि यहाँ पर ये चीज़ें अभी बच्चों को देनी है सबसे बुक्स के, हाँ बुक्स की अगर हम देखा जाए तो हमारे पास बुक्स वगैरह बहुत कम है ना। आपको लोग कैसे रब्ता करें? रब्ता GSO के जो पेज हैं, गडाप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे जो हैं, मोहम्मद राशिद रोई मेरा नाम है, वो आप लोग उसी पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, मेंबर से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम जिस तरीके से जो अभी मसला कुछ इस तरह है, हमारे पास कॉल बहुत ज्यादा है, मुझे जरूरी नहीं है कि आप इनको कोई पेमेंट की सुविधा की जो चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे इनको डेस्क चाहिए या इनको बुक्स रिक्वायरमेंट है, तो देन वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैम यकीन करेंगे, यकीन करेंगे, मैं यकीन कर चुकी हूँ, कर चुकी हूँ आप, लेकिन मेरे भाई में यकीन मैं शायद अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मसला क्या है कि हम लोग जब ये जो मैदान वो कराची का हिस्सा है, मोहिदान बहुत दूर है, बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान, बॉर्डर ऑफ सिंध, जामशोरो वहां से लगता है और बलूचिस्तान वहां पे लगता है। वहां पे होता ये है कि हम लोग जब वहां पे स्कूल खोले 1700 फीट ऊपर मकान, जो वहां पे 10 गोटे बने हुए हैं, 10 गोटे से मुराद ये है कि 1500 से लाइक 2000 ऐसे कुछ हमारे वहां पे जो रहते हैं गांव वगैरह है, छोटे से गांव होते हैं, देहात बने होते हैं। आप ये तस्वीर करें कि 1700 फीट ऊपर कैसे चढ़ेंगे हम लोग, हम कराची वाले हैं, हमें बहुत मुश्किल से नहीं लगवाया तो हुआ ये कि हम लोग 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ हमें चढ़ते वक्त लगे। ओ माय गॉड, 2 घंटे पता नहीं मुश्किल से, रिस्की रास्ते हैं, और हम लोग जब इसको लोग कैसे रहे? तुम अपने मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ यकीन करेंगे, मैं बिल्कुल सीधी बात कहूंगा कि हम लोग सिर्फ 2 घंटे हम लोग बहुत थक गए, जब थक गए तो फिर 3 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेड पे पड़े थे, इतने थक गए थे वो बेचारे रोजाना, उनका क्या सूरत हाल होगा। वो उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पे तालीम नहीं होने की वजह से हम लोग उसको बकरियों चराने पे लगाते हैं, मतलब वहां पे एजुकेशन के बजाय वो बकरियां चराते हैं। लेकिन एक बात बताए, देखिए हम कहते हैं ना कि ये तो बकरियां चराना कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा एजुकेशन देंगे तो उस चीज को वो बहुत अच्छे पैमाने पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे उसका मिल्क है या उसके गोश्त है, बहुत सारा
बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट होते हैं कि मुतासर होते हैं कि उनको कोई तरीका नहीं होता कि मैं इस तरीके से पढ़ूं या गाइड कर सके। सबसे पहले जो हमारा मसला ये होता है कि हमारे जो दयातों का जो होता है ना, स्टूडेंटों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। यही मैं कह रही हूं, आपको क्या करना है क्या करना है। अब उनको एजुकेशन के थ्रू थोड़ा अवेयरनेस मिलेगी ना, तो वो उसी चीज को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने ऐसे कर चुके हैं मैम कि हम लोगों ने हर हफ्ते एक जो लगाया, हम लोग सेशन रखे हैं, तो हम हर हफ्ते हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिठा के उनके साथ बात करते हैं, उनको शौक देते हैं किस तरह आप लोग को आगे जाना है, किस तरह वो करना है। तो इस वजह से काफ़ी बच्चों में ऐसे शौर हो चुके हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि हम स्कूल में ही रहेंगे। लेकिन जब स्कूल के जो हालात हो है मैं यकीन कर, लेकिन अब थोड़ा बहुत हो गए, ऐसे समझो कि कोई उनका कलर नहीं है, ऐसे पूरे कलर उतर गए। टीचर जितने थे गवर्नमेंट टीचर्स है, कभी आता है कोई नहीं आता है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। जो स्टूडेंट्स है और उनके वालदेन है, ऐसा समझो कि देहात में रहने वालों, आपको खुद अंदाज होगा कि इतना वो नहीं कर सकते कि किसी को मतलब ये मसला क्यों नहीं हो रहा है। कि ऐसा होता है गरीब बंदा ऑटोमेटिक मायूस हो जाते हैं। मायूस मुराद ये है कि वो कह रहे हैं कि शायद मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब कोई शौर्य याफ्ता होते हैं कि उनको हाथ में लेकर आगे बढ़ाना, उनके स्टूडेंटों को कोई रास्ता दिखाना, ये बहुत बेहतरीन तरीके, जिस तरह के सर राशिद खुद वहाँ से निकले, तो इसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक मुश्किलात की बात करूँ तो राशिद आप ये भी फेस करते होगे, क्योंकि दही इलाके हैं या अब गडाप देखा जाए तो शहर से इतना दूर भी नहीं है। अब फिर अफसोस होता है कि हम लोग एक कराची से बिलोंग करते हैं, गडाप यहाँ से एक डेढ़ घंटा दूर है या दो घंटा दूर है, तो उधर ये सिचुएशन है कि लोग तालीम से वो दो वक्त की रोटी कमाएं या एजुकेशन अपने बच्चों को दें, तो बड़ा ये बहुत अफसोस का मकाम है इस जगह पे। लेट्स सी, वैसे जाते जाते कोई खूबसूरत मैसेज अपने नाज़रीन को कुछ अपील करना चाहें, लेट्स सी। मैं मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये दूंगा कि पेरेंट्स से कि कोशिश करें अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चियाँ हमारे जो मुस्तकबिल हैं, हमारे समझ लो कि माशरे को तैयार कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बढ़ता चले जाए, और अगर हम जो पेरेंट्स वगैरह हैं, जो न्यू जनरेशन के जो यूथ हैं हमारे, वो भी हमें सपोर्ट करें। वो देखें, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ात के लिए मैं यहाँ तक नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेस्ट हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं। आज अगर वो बच्चे वेस्ट होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ स्किल की तरफ भी लेकर आऊँ, तो कोशिश करें, हमें सपोर्ट करें, हर लिहाज से सपोर्ट करें, हर लिहाज से सपोर्ट करें। बस यही मैसेज है आप सबके लिए। अच्छा नहीं, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपका मैसेज बहुत अच्छा, मैंने कहा एक रिलैक्स होकर अपना मैसेज दें, और मैं ये चाहूँगी आप अपील भी करें और बताएं भी, ताकि लोग आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है राशिद को, राशिद बरोई इनके पेज पे या GSO के पेज पे जाएं, गडाप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पर, और मैं शायद एक पुल बन रही हूँ, एक छोटा सा ब्रिज है गुड मॉर्निंग विद सभी एनवेनियस HDTV चैनल, और अगर आप वहाँ पर कुछ बच्चों को किताबें जो है, बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह दे देंगे, तो पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और हम लोग कुछ नेकी का काम करते हुए पता नहीं क्यों सोचने लगते हैं कि यार ये पता नहीं आप पता क्या बेनिफिट ले जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जा सकता। आप अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह पाक आपको खुद ही उसकी जजाय खैर देगा। तो हम लोग अभी भी बस अपनी दुनिया में रोज़ाना हमने ड्यूटी करनी होती, जॉब करनी होती, और हम अपने बच्चों में ही इन्वॉल्व रहते हैं। हमें नहीं पता इर्द गिर्द शायद कहीं पर हम किसी को कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं विदाउट एनी पेड, यानी कि हम कोई पैसे दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम किसी का जो है ना मदद का हाथ बन जाते हैं। बिहाइंड ही सही, पता नहीं कौन सा कोई रास्ता हो जाता है तो बन जाते हैं। लेट्स सी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग और अल्लाह पाक आपको और कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, एक कॉलर है हमारे दरमियान, बात कर लेते हैं, आपको जाने नहीं दे रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग विद सभी। हां गुड मॉर्निंग विद सभी, आपका गुड नेम क्या है? जी मेरा नाम सैयद गुलाम मोहिद्दीन। अच्छा जी गुलाम मोहिद्दीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बनो यूथ की आवाज। जी आपका शो देखा और आज का मौजू, आज का सब्जेक्ट और आज आए हुए गेस्ट को देख के रह नहीं पाया। मुझे लगा कि मुझे लाजमी सी बात है आपको वैल्यू करना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बेशक बेशक जी। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई क्या? बहुत बहुत मुबारकबाद और आपकी काबिशों को सलाम पेश करता हूँ। जिस तरीके से नई नस्ल को, यंगस्टर को आगे लाने में आप अपना किरदार अदा कर रही है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ है। थैंक यू गुलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और आप माशाल्लाह खुद भी बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों को ऑब्लाइज करते हैं,
ये आपके एफर्ट भी मैं नहीं भूलती हूँ, और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को आपने बहुत ओब्लाइज किया, आप भी बहुत सिंसियर हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से मैं ये कहूँगी कि जिस तरह गुलाम भाई हैं, गुलाम मुहिद्दीन और बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत पॉजिटिव काम करें, इनकी वजह से यूथ जो है वो मोटिवेशनल उनको मैसेज भी मिलता है और उनके हौसले बुलंद होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू सो मच राशिद एंड थैंक्स फॉर यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी बिल्कुल इसी तरह उबरते सूरज की तरह. अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझ खाकसार को दो में याद रखेगा. अल्लाह हाफिज़.